एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लुशु अकेले अपने स्वॉर्ड और एक्स के साथ चल रहा होता है और एक जगह पर रुकता है और आसमान की तरफ देख के सोचता है कि पता नहीं शायु कैसी होगी। तभी उसे घोड़े के दौड़ने की आवाज़ें आने लगती हैं और उसके सामने घोड़े पर सवार एक ज़ॉम्बी आ जाता है और ज़ॉम्बी भाले से लुशु पर अटैक कर देता है। लेकिन लुशु वो भाला पकड़ लेता है और ज़ॉम्बी को बोलता है कि ये भाला उसे वापस नहीं मिलने वाला है अब। तभी लुशु को पॉइंट्स मिलने लगते हैं और उसे पता लगता है कि ज़ॉम्बी में भी इमोशंस हैं। लुशु ज़ॉम्बी से वो भाला छीन लेता है और ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पे और भी ज़्यादा घोड़े पे सवार ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि लुशु के पीछे भागने लगते हैं। लुशु एक चट्टान के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी ज़ॉम्बीज का लीडर उनको इशारा करता है और सभी ज़ॉम्बीज लुशु की तरफ तीर फेंकने लगते हैं। लुशु को एक भी तीर नहीं लगता है और वह छुप जाता है। ज़ॉम्बीज थोड़ी देर उस चट्टान की तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखता तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है जिसमें सभी लोग होते हैं डोयन क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। वो लोग किसी ऊंची जगह पे ज़ॉम्बीज पर नज़र रख रहे होते हैं। जो आदमी दूरबीन से ज़ॉम्बीज को देख रहा होता है वो बोलता है कि नीचे 9 ज़ॉम्बीज हैं। तो इस पर कैप वाला आदमी बोलता है कि इतने सारे ज़ॉम्बीज के लिए बुलेट्स काम नहीं आएंगी। ग्रे बाल वाला बोलता है कि हमें पहले इन ज़ॉम्बीज के लीडर को मारना चाहिए जिससे फिर बाकी ज़ॉम्बीज कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और उन्हें भी फिर हम एक एक करके मार देंगे। फिर वो लोग दूरबीन से देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी है जिस पर भाले के बजाय तलवार है और वो सबसे अलग दिख रहा है। ये वही ज़ॉम्बी होता है जिसका भाला लुशु ने लिया होता है। लेकिन ये लोग उसे लीडर समझ लेते हैं और ग्रे बाल वाला स्नाइपर को बोलता है कि वो उस पर निशाना लगाए। तभी एक मेंबर बोलता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद वो लीडर नहीं है, क्या पता उसने अपना भाला खो दिया हो। फिर ग्रे बाल वाला लेकिन स्नाइपर को पोजिशन लेने को बोलता है और फिर वो स्नाइपर ज़ॉम्बी पर निशाना लगाता है और उस ज़ॉम्बी को गोली मारता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि उन्होंने ज़ॉम्बी के लीडर को मार दिया। लेकिन ज़ॉम्बी का लीडर तो कोई और ही होता है और वो लीडर बाकी ज़ॉम्बीज़ को इशारा करता है और सभी ज़ॉम्बीज़ मिलकर उनकी तरफ तीर फेंकने लगते हैं। सभी लोग अपनी जान बचा के जैसे तैसे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये लोग दूसरी जगह पर दिखाए जाते हैं। जो दूरबीन वाला आदमी होता है वो बोलता है कि हमने इनके लीडर को मार दिया पर फिर भी ये लोग कन्फ्यूज़ नहीं हुए। ग्रे बाल वाला बोलता है शायद हमने गलत को मार दिया। वो आदमी बोलता है अगर वो लीडर नहीं था तो उस पर अलग वेपन क्यों था। तो ग्रे बाल वाला कहता है शायद सच में उसने अपना भाला खो दिया होगा। एक स्टूडेंट कहता है देखो वहाँ दूसरी तरफ कोई छुपा हुआ है। सभी उस डायरेक्शन में देखते हैं और वहाँ पे लुशु होता है लेकिन उन सबको पता नहीं होता कि वो लुशु है। ग्रे बाल वाला बोलता है कि यह तो डोयन क्लास का स्टूडेंट होगा, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन उतने में ही लुशु पहाड़ से कूद के नीचे आ जाता है और एक ज़ॉम्बी से भाला छीन के वापस ऊपर चले जाता है। जो ज़ॉम्बी का लीडर होता है वो ज़ॉम्बी लुशु की तरफ तीर फेंकने का इशारा करता है लेकिन लुशु सबसे बच जाता है। सभी लोग लुशु को देख के हैरान रह जाते हैं। ग्रे बाल वाला बोलता है ये डोयन क्लास के नहीं हो सकता, अगर किसी को उन ज़ॉम्बी से भाला लेना होगा तो वो कम से कम लेवल डी का होना चाहिए, कोई बिगनर स्टूडेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इस पे ये आदमी बोलता है कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी पावर अवेकन हो गई हो। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि लड़का वही है जिसने ल्यू ली के साथ आर्म रेसलिंग करी थी। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है। लुशु एक पेड़ पे बैठे ज़ॉम्बी को देख रहा होता है और उसको स्क्रीन पे पॉइंट जुड़ते हुए दिखते हैं जो कि उसे शायु से मिल रहे होते हैं। लुशु बोलता है ओह नो, शायद शायु को छुपाए वो पोटैटो चिप्स मिल गए हैं। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। कोई भी लुशु को नहीं ढूंढ पा रहा होता है क्योंकि वो पेड़ में छुपा हुआ होता है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है पर किसी को भी लुशु नहीं मिलता। जिस पेड़ पर लुशु छुपा हुआ होता है वहाँ पर अचानक से शायु आ जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो दोनों पेड़ पर बैठे हुए होते हैं और शायु कहती है लुशु तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। और अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लुशु पेड़ से नीचे उतरता है और चल रहा होता है। तभी उसके सामने ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लुशु अपने सारे हथियार नीचे फेंकता है और एक हाथ में भाला होता है इसके जिसे वो घुमाता है और आसमान में फेंकता है और वो भाला घूमते घूमते ज़ॉम्बीज की तरफ जाता है और दो ज़ॉम्बी का सर अलग हो जाता है। फिर लुशु दूसरा भाला एक ज़ॉम्बी के पेट के आर पार निकाल देता है। कुछ ही देर में लुशु लीडर के साथ साथ सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है जिसमें शायु दिखाई जाती है। वो दरवाजे पर लुशु की लगी ड्राइंग पर निशाना लगा रही होती है और गुस्से में होती है काफ़ी कि लुशु ने उसे चिप्स छुपाए हैं। फिर वो एक ड्रॉअर खोलती है और उसे एक बॉक्स निकलता है जिसमें लिखा होता है डोंट ओपन इट। लेकिन शायु वो बॉक्स खोलती है और उसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेज होते हैं और सबसे अंदर वाले बॉक्स में उसे चिप्स मिलते हैं जिस पर एक नोट लगा हुआ होता है कि जो भी इसे खाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। और नोट की दूसरी तरफ लिखा होता है कि मेरे घर आने तक वेट करना।
शाही उस चिप्स के पैकेट को फिर वापस बॉक्स में रख देती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है जिसमें नेटवर्क का ग्रुप दिखाया जाता है जो आपस में लूशू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो कहाँ गायब हो गया है, कहीं वह रियून के सेंटर पे तो नहीं पहुँच गया है। इस पे ग्रे बाल वाला बोलता है कि नहीं, वो इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच सकता। फिर एक मेंबर से पूछता है ये, क्या स्काउट वापस आ गए हैं? वो बोलता है नहीं, वो लोग अभी भी जिंदा लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लोग हमें इन्फॉर्म कर देंगे अगर उनको लूशू मिल जाएगा तो। दूसरा आदमी बोलता है कि अगर लूशू हमारे साथ होता तो अच्छा होता, हम लोगों की स्पीड जॉम्बीज के बराबर नहीं है, अगर लूशू साथ होता तो हम लोगों के उन जॉम्बी से जीतने के चांसेस ज़्यादा होते। फिर वो लोग उसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे लूशू ने जॉम्बीज को मारा था। ग्रे बाल वाला बोलता है जिसने भी इन जॉम्बीज को मारा है उसको कोई भी चोट नहीं लगी होगी क्योंकि यहाँ पे खून की बूंद नहीं है। बच्चे आपस में बात कर रहे होते कि यह ज़रूर लूशू का काम होगा क्योंकि यहाँ पे इन जॉम्बीज का कोई भी वेपन नहीं होती है, और ये सोचने कि लूशू इनकी वेपन ले गया होगा। तभी एक काले कपड़े वाला मेंबर भागते हुए आता है और बोलता है कि रियून के सेंटर पे जाने वाले इलाके को जॉम्बीज की सेना ने घेर लिया है और वो जॉम्बीज अब किसी का पीछा कर रहे हैं। ग्रे बाल वाला भी एक प्लान बनाता है कि वो तीन लोगों के साथ पहाड़ की दूसरी तरफ जाएगा और बाकी लोग यहीं रहेंगे, और जब वहाँ से जॉम्बीज गुजरेंगे तो हम उन पर दोनों तरफ से हमला कर देंगे। अगले सीन में लूशू को दिखाया जाता है जो पहाड़ में चढ़ रहा होता है, और फिर वो एक जगह पर बैठता है और देखता है कि उसके बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं। फिर वो एक फ्रूट खाता है जिससे वो अपने प्लैनेट्स के पास पहुंच जाता है और फिर से उसके चारों तरफ एक लेयर आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, ग्रे बाल वाला कुछ मेंबर्स के साथ पहाड़ की दूसरी तरफ आ जाता है और बोलता है कि डोयोन क्लास के बच्चे डरे हुए हैं तो वो लोग नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए हमें उन जॉम्बीज की सेना के लीडर को मारना होगा वरना सभी बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। एक मेंबर बोलता है अगर ये बच्चे भी लूशू की तरह होते तो अच्छा होता। इस पर ग्रे बाल वाला बोलता है ये चीज़ मैं बाद में रिपोर्ट करूँगा कि इन स्टूडेंट्स को रियल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर वो लोग पहाड़ी से नीचे देखते हैं उन जॉम्बीज को। ग्रे बाल वाला सबको बोलता है कि सभी लोग अपनी पोजीशन ले लो। जैसे ही वो इशारा करने वाला होता है वो देखता है कि आसमान से एक भाला आता है और एक जॉम्बी के मुंह के अंदर से निकलता है। वो जॉम्बीज राख हो जाता है पूरा। ऊपर से देख रहे होते हैं सभी लोग और हैरान हो जाते हैं, और लूशू को दिखाया जाता है जो सभी जॉम्बीज को एक एक करके मारने लगता है। ये सब देख के वो ग्रे बाल वाला बोलता है कि सभी लोग उसकी मदद करने चलो। उन लोगों के नीचे पहुंचने तक लूशू ऑलमोस्ट सभी जॉम्बीज को मार चुका होता है। एक जॉम्बी लूशू के पीछे से अपनी कुल्हाड़ी मारता है लेकिन लूशू उससे बच जाता है और उस जॉम्बी को अपनी तलवार से मार देता है। सभी लोग लूशू को देख के हैरान रह जाते हैं। ग्रे बाल वाला लूशू के पास आता है और बोलता है तुम? लूशू बोलता है हाँ मैं, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।